मुरादाबाद में चड्डा ग्रुप की ओर से भव्य भंडारे का हुआ आयोजन। शनिवार को दिल्ली रोड स्थित जय शिव शंकर सेवा समिति एवं चड्डा ग्रुप द्वारा तृतीय विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गुरमीत सिंह चड्डा व गुरप्रीत द्वारा तथा पंकज सक्सेना ने दीप प्रज्वलन कर भंडारे का शुभारंभ किया। आपको बता दें, सावन माह के चौथे सोमवार को महादेव का जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार व ब्रज घाट से जल लेकर कांवरिया लौटने लगे हैं। इसी उपलक्ष्य में जय शिव शंकर सेवा समिति एवं चड्डा ग्रुप की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाहर से आई भक्ति गीत व भोले के गीतों पर गाने वाली पार्टी ने शिव भक्तों का मन मोह लिया। इस दौरान पंकज सक्सेना ने शिव भक्तों को भोजन वितरित किया। सक्सेना, किनके सहयोग से ये भंडारे का आयोजन? ये चड्डा ग्रुप एवं जय शिव शंकर सेवा समिति के सौजन्य से हर साल हम यहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं। पवित्र सावन मास में लाखों करोड़ों कांवरिये भोले बाबा को मनाने के लिए जल लेकर आ रहे हैं, और सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी जी, उनका भी सीधा साधा संदेश है कि कांवरियों की सेवा करी जाए। उसी के लिए हम भी यहाँ पर सेवा करने के लिए यहाँ पर हमने उनका भंडारे का आयोजन करा है। यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई कांवरियों? यहाँ पर कांवरियों के लिए विश्राम की व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था है, आकर वो आराम करें। किसी को कोई समस्या है दवाई से संबंधित या कोई मेडिकल उन्हें कोई हेल्प चाहिए, उसके लिए हम तैयार हैं यहाँ पर। क्या संदेश देना चाहिए? संदेश देना चाहिए कि बिल्कुल 8 तारीख को, क्योंकि मुहर्रम भी है और ये कांवर का त्यौहार भी है, सब एक दूसरे प्रेम के साथ एक दूसरे का त्यौहार को मिलकर मनाएं खुशी के साथ। प्रशासन का कैसा सहयोग है? प्रशासन का बहुत सहयोग है। प्रशासन, क्योंकि मैं सिविल डिफेंस में भी हूँ, तो लगातार प्रशासन ने हमारी सिविल डिफेंस परिवार की प्रशासन के साथ मीटिंग भी हुई है, तो इसमें यही है कि किसी को कोई परेशानी ना हो, सब समुदाय के लोग आराम से अपने अपने त्यौहारों को मनाएं। श्रावण मास की पावन कांवड़ यात्रा के अवसर पर मैं आप सभी के प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये त्याग और समर्पण का माह है, और इस अवसर पर जो भी कांवड़ यात्री श्रद्धालु गढ़मुक्तेश्वर से हमारे जनपद या नगरी क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, उनके सेवा और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए नगर निगम परिवार की तरफ से एक कैंप यहाँ लगाया गया है। जैसा कि अभी माननीय महापौर महोदय ने बताया, हम इस कैंप में ऐसे सभी सुविधाएं और कर्मचारियों को नियुक्त करके यहाँ जब तक कांवड़ यात्रा संपन्न नहीं हो जाती तब तक कांवड़ यात्रियों की सेवा का कार्य करते हैं, और पूरी तरह से साफ सफाई, पब्लिक मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट, रूट मैनेजमेंट, सभी सरकारी विभागों के साथ समन्वय जैसे कार्य यहाँ किए जाएंगे। अभी जिलाधिकारी महोदय कुछ क्षण पहले ही इस कैंप का शुभारंभ करके गए हैं, और कल पुलिस प्रशासन और नगर निगम परिवार की तरफ से सद्भाव स्वरूप सभी कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे माननीय महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय और सभी प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया है। हम कल पूरे भाव के साथ कांवड़ यात्रियों के प्रति अपना समर्पण प्रकट करेंगे। जय। आज बड़े हर्ष का दिन है कि पवित्र गंगा जल भरकर ब्रज घाट से हजारों सैकड़ों लाखों कांवड़िए आज और कल मुरादाबाद में प्रवेश कर रहे हैं। उनके स्वागत में नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा परंपरागत ढंग से ये हर वर्ष भंडारा नगर निगम कांवड़ियों की सेवा में लगाता है। आज नगर निगम के इस भंडारे का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद हमारे जिलाधिकारी महोदय एवं श्री नगरायुक्त महोदय के और पूरे नगर निगम के सभी अफसरों के और पार्षदों की मौजूदगी में आज इस भंडारे का शुभारंभ किया गया, और इससे एक वातावरण, एक माहौल, एक जो बनता है उसके लिए नगर निगम हमेशा प्रयासरत रहता है, और नगर निगम के हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारी और हमारे पार्षद बंधु, नगर निगम परिवार इसमें पूरा दिल से इसकी तैयारी कर रहा है। और आज भंडारे के अंदर तमाम प्रकार का ये भंडारा कल 4 बजे तक चलेगा। सिर्फ भक्तों के क्या संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? भाईचारे का संदेश है, जिसके अंदर भोले की आज पूरी आप देख रहे हैं, जिसके अंदर हर व्यक्ति आज यहाँ पर भोले में हो गया है, और भोले की कृपा सब पर बनी रहे, महाकाल सब पर कृपा करें, यही मेरी कामना है।